सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, नॉर्दर्न इंडिया में अभी भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और यहाँ पे मफलर बहुत यूज किए जाते हैं, और कुछ एक डिजाइन जो मुझे बहुत ही पसंद हैं उनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बहुत ही इजी वे से बनाया गया मफलर है और बहुत सुंदर लगता है। ये यूनिसेक्स हैं, आप लेडीज और जेंट्स कोई भी इन मफलर्स को पहन सकते हैं। तो इसको आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही सिंपल स्टिच के साथ बनाया गया है। इसको बनाने के लिए जो मैंने वूल का इस्तेमाल किया है वो आप देख सकते हैं, ये गंगा कंपनी की एक्रो वूल है चाम के नाम से, और ये बहुत ही सॉफ्ट थ्रेड है। ये देखिए, इसका थ्रेड बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छा इसका मफलर बनता है। तो मैंने इसको यूज किया है बनाने के लिए। और इस मफलर की मेजरमेंट अप्रोक्सीमेट 9 इंच विड्थ है, और लेंथ आप हाइट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, मिनिमम 70 इंचेस। और अगर आपने लंबा मफलर बनाना है तो आप 72, 4, 7 या 8 जितनी आपको लेंथ चाहिए आप बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैं 4.00 mm की क्रोशे हुक का इस्तेमाल कर रही हूं। तो ये शुरू करना आपको सिखा दूंगी और स्टिच थोड़ा सा बना के, क्योंकि एक बार शुरू हो गया तो आपको बनाना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो शुरू करने के लिए सबसे पहले हम नीचे इसकी विड्थ के हिसाब से चेन्स डालते हैं। तो सबसे पहले हम लॉक चेन लगाते हैं। ये देखिए, हमने ये लॉक चेन लगा ली और उसके बाद हम चेन्स डालेंगे। चेन्स हम इतनी विड्थ के लिए, ये मैंने 41 चेन्स डाली हैं। तो यहां तो मैं आपको थोड़ी कम बना के ही दिखाऊंगी। मैंने 21 ली है क्योंकि मैं सिर्फ आपको डिजाइन ही सिखाने जा रही हूं। तो उसके बाद आपने 2 चेन्स एक्स्ट्रा लेनी है, और फिर उसके बाद ये जो थर्ड चेन है इसमें आपने यूं सिंगल क्रोशे कर लेना है, और उसके बाद आपने सेम स्पेस में क्रोशे हुक को डालते हुए फिर से हमने यहां पे डबल क्रोशे करना है। तो ऊपर हमारे पास 4 स्टिचेस हो जाते हैं। इन 4 स्टिचेस को हम एक ही गो में एक कर देंगे और फिर उसके बाद यूं इसको लॉक कर देंगे। अब एक चेन को छोड़ के नेक्स्ट चेन में दोबारा इसी तरीके से करेंगे, पहले सिंगल क्रोशे और फिर उसके बाद रैप करते हुए सेम स्पेस में डबल क्रोशे। और जब 4 स्टिचेस हो जाएंगे तो इसको हम एक कर देंगे एक ही गो में और लॉक कर देंगे। बस इतना सा इसका डिजाइन है। अब हम पूरी लाइन को इसी तरीके से वर्क करेंगे, एक चेन मिस करेंगे, नेक्स्ट चेन में हम पहले सिंगल क्रोशे और फिर उसके बाद सेम स्पेस में डबल क्रोशे, यूं 4 स्टिचेस लेने के बाद उसको एक कर लेंगे, फिर लॉक, फिर एक चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन में सेम, और ये बहुत ही जल्दी बनता है। आप इसको अगर आप स्पीड से बनाते हैं तो 2 दिन में फिनिश कर सकते हैं, कई लोग तो इसको 1 दिन में भी फिनिश कर लेते हैं। अभी लास्ट चेन है, इसमें भी हमने सेम इसी तरीके से पहले सिंगल क्रोशे और फिर डबल क्रोशे करना है और इसको एक ही गो में एक कर लेना है।
अब उसके बाद इसको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद हम टू चेन्स लेते हैं और इसको यूं रिवर्स कर लेते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि एक ना ट्रायंगल सा बनता है फर्स्ट वर्किंग स्पेस। ये देखें, ये एक ट्रायंगल बनता है फर्स्ट में। एक स्टिच ये है, एक ये जो फर्स्ट हमारा ट्रायंगल सा दिख रहा है, इसमें से हम सेम इसी तरीके से दोबारा वर्क करेंगे। पहले सिंगल क्रोशे, फिर डबल क्रोशे, और इसको एक ही गो में एक करेंगे और लॉक करेंगे। अब नेक्स्ट वर्किंग स्पेस पे भी इसी तरीके से वर्क करते हुए ये देखें, क्योंकि ये मोटी वूल है, आपको शायद अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन इसके दो स्पेसेस हैं। एक ये बड़ी स्पेस आगे है, एक पीछे है। हम जो पीछे वाली स्पेस है, फर्स्ट स्पेस जो है, उसमें हम सिंगल क्रोशे और डबल क्रोशे करेंगे ऐसे। फिर उसके बाद दोबारा से नेक्स्ट वर्किंग स्पेस में यूं। बस एंड तक आपने इसको इसी तरीके से बनाना है, और जब इसको लॉक कर देना है उसके बाद टू चेन्स लेनी है और इसको यूं रिवर्स कर देना है। अब फिर से इसी तरीके से यहां बनाएंगे। ये देखें, फर्स्ट ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला, इसमें हमने पहले सिंगल फिर डबल क्रोशे फिर लॉक कर देना। फिर ये देखें, ये ट्रायंगल बहुत क्लियरली दिखाई देता है। दो स्टिचेस हैं जो फर्स्ट ट्रायंगल दिखाई देगा, उसमें आपने पहले सिंगल क्रोशे और फिर डबल क्रोशे करना है। बस बहुत ही आसान तरीके से ये हमारा मफलर बनके तैयार होता है। बस आपने इसी तरीके से इसको जितना लंबा चाहिए, जितना चौड़ा चाहिए बनाते चले जाना है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल आपका मफलर बनके तैयार होगा। फिर से यहां पे लॉक और टू चेन्स बस, और इसी तरीके से आपने रिवर्स करके इसको रिपीट करते जाना है। आप देख सकते हैं कि ये जो स्टिचेस हैं, एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ, फिर इस तरफ, ये जिगजैग स्टिचिंग होती है। ये देखिए, ये पहले इस तरफ, फिर 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 इस तरफ, इस तरीके से, क्योंकि हमने फर्स्ट ट्रायंगल में डाला है। बिल्कुल स्ट्रेट स्टिचेस, अगर हम स्ट्रेट डालते हैं तो सीधे सीधे स्टिचेस आते हैं, लेकिन अगर हम फर्स्ट ट्रायंगल में डालते हैं तो ये टेढ़े टेढ़े स्टिचेस आते हैं जो जिगजैग लुक देते हैं। ये देखिए, तो अब मैं इसको कंप्लीट करके आपको टसल्स लगाना भी सिखाऊंगी, वो भी बड़े आसानी से हम लगा सकते हैं। नया थ्रेड लगाने के लिए हम सिंपली इसको स्क्वायर नॉट लगाते हैं। ये देखें, यूं स्क्वायर नॉट लगाते हैं, और स्क्वायर नॉट लगाने के बाद ये जो दोनों एजेस हैं इनको एंड से ट्रिम कर देते हैं। तो इसी तरीके से हम इसमें नेक्स्ट थ्रेड ऐड करते हुए इसको रिक्वायर्ड लेंथ में बना लेते हैं। और दूसरी बात, इसको बनाने के लिए ये जो मैंने आपको गोला दिखाया है, दो लग चुके हैं, थर्ड मैं लगा रही हूं, तो इसलिए आपको ये तीन गोले लेने पड़ेंगे इसको पूरा बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर थोड़ा वूल बच जाती है तो आप उसका कुछ और बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हम इसको कंटिन्यू करते हुए फिनिश करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये डिजायर्ड लेंथ क्रिएट कर ली है, ये अप्रॉक्सीमेट 72 इंचेस है। अब हम इसको यूं बंद कर लेंगे। बंद करने का तरीका बहुत इजी है, आपने सिंपली जैसे स्टिच लिया था उसी तरीके से स्टिच लेते हुए इसको लूप को थोड़ा बड़ा करना है और इसको यहां से ट्रिम कर लेना है। अब जैसा कि मैंने ये टसल्स बनाए हैं, ये टसल्स बनाना सिखाऊंगी। ये हम एजेस पे सिर्फ लगा रहे हैं। ये देख, टसल्स बनाने के लिए मैं यूं इसको पकड़ूंगी और अपनी उंगली पे इतना बड़ा रैप करूंगी। ये देखें, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 एट टाइम रैप करने के बाद इसको यहां से ट्रिम कर लेंगे। तो ये हमारे पास लूप बन गई।
तो इस तरीके से इसको रोल बनाने के बाद ये जो एज है इसका बिल्कुल कॉर्नर वाला जो स्टिच है यहां से हम अपनी क्रोशे हुक को पास करेंगे और ये वाला जो हमारा पूरे के पूरे स्ट्रैंड्स हैं इनको यहां से रोटेट करते हुए ऊपर ले आएंगे। और उसके बाद ये हमारी जो दूसरा एज है उसको इसमें से निकाल लेंगे ऐसे और इसको खींच लेंगे इस तरीके से, अच्छे से खींचेंगे सारे स्टिचेस को बराबर करते हुए और इसको हम यूं ट्रिम करेंगे। और बराबर करते हुए इसको फिनिशिंग टच देंगे। तो इस तरीके से ये हमने टसल बना ली। सेम इसी तरीके से हम इस तरफ भी बना लेंगे। तो देखिए ये हमारा पूरा मफलर बनके तैयार है। आप इसको कोट के साथ, जीन्स के साथ, जैकेट के साथ पहन सकते हैं। ये बहुत ही कोजी और स्मार्ट मफलर बना है। तो ये बहुत ही बढ़िया मफलर बना है। आप इस वीडियो को देख के अपने लिए भी सेम ऐसे ही मफलर बना सकते हैं। आप चाहें तो प्लेन वूल से भी ये मफलर बना सकते हैं। ये जो मैंने ऊन का इस्तेमाल किया है ये एक गोला 100 ग्राम का है, तो इसके हिसाब से मेरा ये 250 ग्राम के करीब वूल लगी है। दूसरी ऊन का मेरे कुछ आइडिया नहीं है कि कितनी लगेगी, लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट मफलर बन के तैयार होता है। तो अगर आपको ये वाली वूल मिले तो प्रेफरेबली इससे ही बनाएं, तो बहुत ही बढ़िया मफलर आपका बनेगा। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।